सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेज वेवफॉर्म के बारे में। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं ट्रैक के बिलो। बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि मुझे पता है या मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप में पूछा गया था। अब जैसे कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप भी ऐड हो सकते हैं। मैंने उसकी लिंक के बाद डिस्क में डाल दी के आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऐड हो जाएंगे। और यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी वहाँ पर कोई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे फेस एनालाइजिंग फेस वेवफॉर्म के बारे में। तो आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे नील, आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक सॉन्ग ले लेते हैं और उसे हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, जैसे हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर जाएंगे एनालाइज ट्रैक पर, और आप यहाँ देखेंगे आपको एक फ्रेज ऑप्शन दिख रहा होगा। आप यहाँ पर यहाँ अनचेक रहता है, आप यहाँ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे ओके कर देंगे। यदि आप ओके करेंगे और आप एनालाइज करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी भी आपको यहाँ पर कोई भी फ्रेज आते हुए नहीं दिख रहा होगा। तो हमें क्या सेटिंग में चेंज करना होगा, हम यहाँ देखते हैं। और तो जैसे हम जाते हैं सेटिंग पर, सेटिंग पर जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर व्यू पर, और व्यू पे आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक पूरा लेआउट देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रेज के नाम से। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर फ्रेज पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे देख सकते हैं ये आपको लाइन यहाँ पर आ चुकी है, बट यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ऑलवेज शो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो जैसे कि आप यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ, आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ जाएगा, वर्स कोरस। अब यहाँ पर आपको अलग अलग है तो हम यहाँ पर और समझते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे तो आप अपना जो भी क्यू पॉइंट है लूप लगा सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं हम ग्रिड वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा फ्रेज एडिट का। तो हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं फ्रेज को, हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे देख सकते हैं दो साइड से आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है वर्स यहाँ से शुरू हो रहा है तो इस तरह से आप वर्स कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कम आपको लगता है कि यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है वर्स, तो हम इस तरह से आप इसे कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि वर्स टू यहाँ पर लिखा है और आपको लगता है वर्स वन ही पूरा है, तो इस तरह से आप इसे वर्स वन को ही पूरा कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, या आपको लगता है दो अलग अलग है, या वर्स थ्री है, इसे भी हमें वर्स टू ही नाम देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम टू कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर वर्स टू लिखा हुआ मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कोरस अकेला लिखा है, यदि आपको इसको नाम चेंज करना है, कोरस टू करना है, या कुछ भी और करना है, आउट्रो करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह आउट्रो लिखा आ जाएगा। तो कुछ आप इसी तरह से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप वर्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, कट करना है। जैसे कि आपको लगता है यहाँ पर दो कोरस हैं, ठीक है, या दो वर्स है, अब जैसे यहाँ पर आपका दो वर्स लगता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जहाँ भी लगता है वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। जैसे कि आपको लगता है यहाँ पर मुझे कट करना है दो वर्स यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे। तो जैसे देख सकते हैं आपके दो चेंज हो चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर वर्स फोर है, इसे आपको नाम चेंज करना है, तो आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और आप इसे वर्स फाइव का नाम दे सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यह चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लियर करना है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर करेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे। तो इस तरह से आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जैसे कि मैं सेटिंग पर गया था तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिला होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन है फ्रेज के नाम से, तो यह किस चीज़ का है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखना क्या होगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके ट्रैक पर भी यह सारी चीज़ें लिखी आ चुकी है। तो यदि आपको इस तरह से मिक्स करने में ईजी होता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, तो आप इस तरह से यहाँ पर इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप एक और मैसेज आया था, उसमें पूछा गया था कि रिकॉर्ड बुक जो 5 है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड बुक 6 है, आपने मुझसे पूछा था रिकॉर्ड बुक 5 है उसमें भी यह चल जाएगा क्या, उसमें भी यह ऑप्शन शो होता है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारे पास रिकॉर्ड बुक है और उसका जो वर्जन है आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यह रिकॉर्ड बुक 5 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे हम जाते हैं सेटिंग पर, व्यू पर जाएंगे और आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको फ्रेज वेवफॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब आप देखिएगा मैं यहाँ पर कोई भी एनालाइज करता हूँ सॉन्ग को, यहाँ पर आपको याद रखना है आपको फ्रेज पर क्लिक करना है, इस पर ओके करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एनालाइज हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, लोड कर दूंगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन आते हुए दिख जाएगा,
जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको फ्रेज एनालाइजिंग आपने की है और यहाँ पर भी आपको फ्रेज वेवफॉर्म दिखने लगी है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड बॉक्स 5 में भी इसे ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, तो कुछ आप इसी तरह से आप जो फ्रेज वेवफॉर्म है आप उसे ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।